दोस्तों आम मानवीय स्वभाव के मुताबिक लोग अपने जैसे व्यवहार वाले लोगों से ही घुलना मिलना पसंद करते हैं। लोग ऐसे लोगों से राह रस्म ना के बराबर रखते हैं जो उनके स्वभाव के एकदम विपरीत होते हैं। राजनीति और कूटनीति के ज्ञानी आचार्य चाणक्य ने आम मानवीय स्वभावों पर भी ऐसे विचार दुनिया के सामने रखे हैं जो आज भी यथार्थ काफी करीब जान पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आचार्य चाणक्य ने किन तीन लोगों से, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख स्त्री हो या पुरुष, उसे उपदेश ना दें। आचार्य चाणक्य दशकों पहले ये सलाह दे गए हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर वह मूर्ख हो तो उन्हें व्यर्थ की सलाह नहीं देनी चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ होता है। उन्होंने ऐसा इस आधार पर कहा था कि बुद्धिहीन व्यक्ति ज्ञान की बातों में भी अपने कुर्तकों को ले आता है, जिससे ज्ञानी लोगों का कीमती वक्त बर्बाद हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। दूसरी बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का भरण पोषण ना करें। किसी भी व्यक्ति का पेट भरना, उसका लालन पालन करना आमतौर पर पुण्य काम माना जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान का भरण पोषण करता है जो बुरे स्वभाव का है, चरित्रहीन है, तो इसे चाणक्य उचित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान का भरण पोषण करने से आपको किसी भी तरह के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। और तीसरी चीज आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना बात के दुखी रहने वाले व्यक्ति से भी हमेशा दूर रहें। आचार्य का मानना था कि जो व्यक्ति बिना किसी बात के दुखी रहता है तो उससे सभी लोगों को दूर रहना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं, अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्र साइनिंग ऑफ।